माता दी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा विधि बताऊंगी और मंत्र और पूजा का महत्व, माता का स्वरूप, माता को क्या भोग लगाए, माता का प्रिय पुष्प, यह सब बताऊंगी। तो हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज नवरात्रि के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के पूजा की जाती है। इस दिन के देवी पूजा मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है। इसकी कृपा से हर असंभव कार्य पूरा होता है। ज़्यादातर घरों में इन दिन कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। महागौरी माता का स्वरूप कुछ इस प्रकार है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और वह सफ़ेद वृषभ यानी कि बैल पर सवार है। माँ का दाहिना हाथ में अभुद्रमय मुद्रा लिए हुए हैं और नीचे वाले हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। वहीं बाई वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाले हाथ में भी भक्ति को अभय दे रहा है। माँ के हाथ में डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत और दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने मात्र से सभी व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मण के प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। जो जातक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वह हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद माता को भोग लगाते हैं, फिर कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो दो कन्या के साथ भी पूजन किया जा सकता है। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इससे पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और यह रंग परिवार के प्रेम को धागे में गूंथ कर रखा जाता है। महागौरी को अष्टमी के तिथि पे इस प्रकार पूजा करें। शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ कात्यायनी को मंत्र है ओम देवी महादेव्ये नमः मंत्र का जप करना चाहिए और माता को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जो जातक कन्या पूजन कर रहे हैं वह कन्या को लाल चुनरी चढ़ाएं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर माता की तस्वीर या मूर्ति पर सिंदूर व चावल चढ़ाएं। साथ ही माँ दुर्गा का यंत्र रखकर भी उनकी इस दिन पूजा करें। माँ अपने भक्तों का कीर्तिमय सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। माँ का ध्यान करते हुए सफ़ेद फूल हाथ में रखकर फिर अर्पित करें, यह विधिवत पूजन करें। माता को सफ़ेद रंग अति प्रिय है, इस दिन माता को सफ़ेद फूल अवश्य चढ़ाएं। माँ महागौरी की कथा कुछ इस प्रकार है। माँ महागौरी ने अपनी तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय वह 8 वर्ष की थी, इसलिए उन्हें नवरात्रा के 8वें दिन पूजा किया जाता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठित्री देवी है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम से चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिनों व्रत नहीं रख पाते हैं वह केवल पड़वा और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। पहले और 8वें दिन का व्रत करने से भी पूरे 9 दिनों के व्रत का फल मिलता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाएं का आभास होने लगा। तब उन्होंने भगवान शिव को अपने पति मान लिया और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि माँ केवल कंदमूल खाकर पत्तों का आहार करने लगी, बाद में केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माता पार्वती गंगा स्नान करके
आई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी देवी कहलाई। दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती हैं, सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माँ महागौरी के मंत्र इस प्रकार है, महागौरी श्वेत वर्षे श्याम रूढ़ श्वेतांबर धरा सुचि महागौरे शुंभ दन महादेव प्रेमदा या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस प्रकार मंत्र का ध्यान में जप करें और इसके बाद माता की आरती करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, क्षमा याचना करें। तो इस प्रकार मैंने नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा विधि, माता का स्वरूप, माता की कथा और पूजा से होने वाले लाभ और माता के प्रिय पुष्प भोग आदि के बारे में बताया। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।